आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये वाला पेंट यूज़ कर रहा हूँ जिसका कॉस्ट है अराउंड 200 रुपीज़। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा किसी भी कार श्रृंगार वगैरह में या फिर ऐसे में। तो आपको सबसे पहले करना क्या है ना, आपने जो स्कूटी में एक्स्ट्रा जो भी मेटल के जो प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं उसको आप निकाल लीजिए यार, वो तो ईजिली निकल जाता है। और दोनों साइड का निकालना है आपको, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। और इसके बाद देख सकते हो यार, ये जो मैंने गाड़ी ली है ये है एक्टिवा, सिर्फ एक्टिवा है और ये 50,000 चल चुकी है। ये सेकंड हैंड लिया है मैंने 18,000 में, आप देख सकते हो। और इसका कंडीशन मुझे काफ़ी सही लगा, आप देख सकते हो ये कितनी चल चुकी है, 52,582। और क्या बताऊँ, और देख सकते हो यार ऊपर का डैशबोर्ड ठीक है बट नीचे का ख़राब हो गया, तो मैं ये वाला सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने थोड़ा रफ़ यूज़ किया, बट आप कम भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है प्रोटेक्ट करना होता है आपको एरिया को, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे देखते जाइए। अब डैशबोर्ड में लगा देना और फिर ऊपर जितने भी वाइट पार्ट हैं, जितने भी ढकनाएँ होते हैं ना पार्ट, जिधर कलर नहीं करना सबको ढक देना। ऐसे ही पूरे गाड़ी में मतलब स्प्रे पेंट ना जाए वैसे पूरा ढकना। और जो है मैं ये नंबर प्लेट भी निकाल दूंगा और पीछे को भी पेंट कर दूंगा। और उसके बाद देखो मैं इसको धीरे धीरे सैंड कर रहा हूँ और इससे ऐसा लग रहा है कि मैं इस गाड़ी को ख़राब कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है यार। देखना थोड़ी देर में जो शाइनिंग आएगी ना मज़ा आ जाएगा। तो इसको मैंने जो बढ़िया से घिस के पूरा स्मूथ कर दिया भाई, एकदम मज़ा आ गया, मक्खन एकदम। ठीक है, ऐसा ही मक्खन आपको भी करना है। मैं उस तरफ का कुछ नहीं किया, मैं उधर को कलर करूँगा क्योंकि उधर कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ कलर करना था। अभी देख सकते हो आप मैंने पूरी गाड़ी ढक दी है। और ये देखो ये रॉन्ग स्टेप है इसने जो कर दिया मेरे भाई ने। हाँ, उसके बाद जो ऐसे सीधे करना होता है ना वो राइट स्टेप होता है। ठीक है, तो मैं वो राइट रॉन्ग आपको एक बार बता दूंगा। तो आप देखो ऐसे करके बस आपको एक स्ट्रोक में आगे पीछे या ऊपर नीचे ऐसे आपको चलाना होता है। आप सीधे एक जगह फोकस कर दोगे तो वो फैलेगा और फिर वो एक बूंद की जैसे दिखने में अच्छा लगता है, बट उतना जो है समझ सकते हो ना यार, ख़राब हो जाता है पेंट, पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी फिर। और वैसे ही मैंने जो है पूरा पेंट कर दिया इस तरफ भी, नीचे भी और पीछे भी, मैंने आपको दिखाया नंबर प्लेट की तरफ उधर भी। और आप बस सीधे सीधे उसको चलाना है। और आप ये किसी भी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हो, मेन होता है सैंडिंग। और सैंडिंग करने के बाद आपको जो है पोंछना होता है, उसके बाद आप पेंट अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कोट में जो है काफ़ी अच्छा फिनिश आ रहा था, बट नीचे का नहीं हुआ है अभी, टेंशन मतलब। और नीचे जो है अभी वो भी पेंट चल रहा है, अभी पेंट हो जाएगा थोड़ी देर में नीचे का। और कमेंट करना यार क्या मैंने गलत कर दिया कि गाड़ी लेके, वैसे तो मेरे दोस्त का ही है, चाहूँ तो वापस भेज दूँ। तो मुझे गाड़ी काफ़ी सही लगी यार, मतलब यार उसकी बहन चलाती थी और बहुत धीरे चलाती थी। मुझे शक हुआ कि पहली लड़की देखा है तो गाड़ी धीरे चलाती है, और एक्चुअली बहुत धीरे चलाती है। इसका इंजन में कभी दबाव ही नहीं पड़ा तो ये ख़राब क्यों हो गया, सीधी सी बात है। अभी देखो भाई कलर क्वालिटी, और ये पूरा फिनिश हो चुका है। और आप ये वीडियो का एंड है, आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त क्वालिटी आया है। और ये सिर्फ हुआ है सिर्फ 200-250 रुपये में। और ये वाला बैग भी हम लोगों मैंने कलर किया है, और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर भी कलर किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।